नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा में लोकतंत्र सुरक्षा मंच व बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले अपने 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कल रोहतक में बहुजन समाज पार्टी व लोकतंत्र सुरक्षा मंच गठबंधन ने अपने इन उम्मीदवारों की घोषणा की। सांसद राजकुमार सैनी व बसपा नेता मेघराज ने एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में अपने प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में उनका गठबंधन प्रदेश की सभी सीटें जीतेगा। हरियाणा की 10 में से 2 सीटों पर लोकतंत्र सुरक्षा मंच व 8 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी व रोहतक सीटों पर लोकतंत्र सुरक्षा मंच के खाते में आई है। लोकतंत्र सुरक्षा मंच व बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने हिसार, रोहतक के अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। रोहतक सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा चौथी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं तथा उनके मुकाबले में किशन लाल पंचाल को उतारा गया है, जबकि हिसार से जेजेपी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ सकते हैं। उनके मुकाबले में सुरेंद्र शर्मा बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसके अतिरिक्त करनाल से पंकज चौधरी, अंबाला से नरेश सारंग, महेंद्रगढ़ भिवानी से रमेश राव पायलट, फरीदाबाद से मंदिर मान को उम्मीदवार बनाया गया है। देखे पल पल की यह रिपोर्ट।